फाइनली वो दिन आ गया है जब हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है बड़े भाग के साथ मम्मी पापा छोड़ के जाना पड़ रहा है हमें। सो आज दीदी भी जा रही हैं। हमारी जाने की इच्छा तो नहीं है लेकिन वो तो जाना पड़ेगा, क्या करें, हमारे लिए एक मजबूरी बनाई है, जाना पड़ेगा। लड़कियों को जाना है, ससुराल जाना ही पड़ेगा। लगता तो ऐसा है कि जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहे लेकिन नहीं रह पाते हैं। सो अभी दीदी भी जा रही हैं एंड हम लोग भी आज निकल रहे हैं। सो अभी हम निकलेंगे, पहले दीदी जाएंगी शायद, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। आना जाना तो लगा ही रहता है, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद थोड़े। एंड हमने खूब सारी आज रील्स बनाई दीदी के साथ मिलके, और रील्स देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ बहुत सारी आपको रील्स मिलेंगी देखने के लिए। देखो मम्मी बना रही है खाना, मतलब हमें टिफिन पैक करने के लिए खाना बना रही है वो रास्ते के लिए, और बच्चा पार्टी की मस्ती चल रही है। सो आज हम निकलेंगे, का 3-4 दिन हो गए हैं हम लोगों को यहाँ आए हुए। दीदी की पैकिंग चल रही है, घर ही कर ले, रख ले थैले में। मम्मी पीछे खाना खा रही है। दीदी की पैकिंग हो गई, होना स्टार्ट हो गई, मेरी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। फ्रेंड्स भैया बोल रहे हैं मैं मोर का बच्चा लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे कई मोर के बच्चे हैं अपने यहाँ से, मोर का है हमारे यहाँ 20 मोर है। हाँ कितने दे रहे हैं? कम से कम 20 बच्चे हैं उनके साथ। 20 मोर ने 20 बच्चे दिए हैं। लेके बच्चे रहे हैं प्रिंस भैया, लेके आ रहे हैं मोर का बच्चा है। दीदी क्या लगा रही बच्चों को बताओ? दिखा रहा अनस फेस, दिखा रहा अपना, ये देखो अनस को पताउत लग गया है। तुम भी लगा लो पता। ये देखो गोरे गोरे मुकड़े पे पता उत लग गया है। ये लगा इधर कपड़ों पे, देखो मेरी मम्मा रोटी बना रही है। ये देखो टिफिन पैक कर रही है मम्मी। ये बन रही है सब्जी, आलू बरबटी है। याद आई रचना दीदी की विदा हो रही है कद्दू के साथ। दीदी ले जा रही है कद्दू बना के खाए। लात होगी नहीं, लात नहीं देंगे, पैर छुएंगे। रास्ता में भूख लगे कद्दू की सब्जी बना जाते ही। हेलो बड़े भैया, बड़े भैया खा रहे हैं खाना। वन टू थ्री स्टार्ट। देखना बाल्टी पे ना गिर जाए, नहीं टूटेगी, देख ले मैंने बोला था ना नहीं टूटेगी। ले तोड़ दी अमन ने, ये वाली मजबूत होगी। हाँ ये देख भांजे को परेशान करते हुए हैं। ये शाबाश, जाते जाते भांजे की पिटाई हो गई। हसुआ तो नहीं टपक रहे, पैसा वापस दे जाओ। तो बुरा लागे, नानी की याद आएगी। पैर छू लो बेटा नानी के। ज्यादा इमोशनल हो गई दीदी, देखने जा रही पैसा देख रहे हैं। फर्श में कितने कुल्ले पैसा है। ले 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 प्रियांशु बुआ दे रही है, आधे आधे ले लिया हमारे अंक के। तो खूब पैसन की हो रही है। मेरे पास 2.50 की है भाई, यहाँ पे पैसों का गड़ा नाश्ता 50 का है तगड़ा, वो चल रहा है। ये देखो पैसे बट रहे हैं जिनको लेना है। नाश्ता कर पकड़ो, तुम नाश्ता कर भी दे रहे हो 1500 दे रहे हो काम चला देख। मेरा भाई क्या है, ले 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 पकड़ो। अरे यार ले जाओ, मैंने अमर को भी पैसे बट रहे हैं भाई, पैसे देखो पीछे भी पैसे बट रहे हैं, जहाँ तहाँ पैसे ही बट रहे हैं।
अमन को मिल गया नाश्ता करने को, ये देखो प्यार से दिए, बच्चे ले नहीं रहे थे। ये 2 रुपीज नहीं है, मेरा 12 रुपीज है, इसमें 2 रुपीज जैसे 10 रुपीज है, इसमें जाएंगे 5 किलो। तुम्हें अब निकलने का टाइम हो गया यहाँ से भैया, हमारा निकलने का टाइम हो गया। बड़े भैया बोले जाओ, अमन तो साथ में जा ही रहा है तो अमन के साथ हम जाएंगे। प्रिंस भैया दीदी को छोड़ने जा रहे हैं और नब्बू सब बढ़िया। बोल बच्चू बोल, बेटा झंडे फेंकने से झंडे का अपमान होता है, फेंकते नहीं है झंडा। दीदी ने कम से कम अपनी शान मान है। बाय। ये मोमेंट कितना ज्यादा पेनफुल होता है ना, मैं पता है हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं रोऊं नहीं, बट नहीं, मम्मी को देख के मुझे ना आंखों में आंसू आ ही जाते, क्योंकि पहले वो ही रोने लग जाती हैं। और हर टाइम जब भी मैं मायके से ससुराल जाती हूँ, हर लड़की अपने मायके से जब ससुराल के लिए जाती है तो सबके साथ यही होता होगा, सबके लिए इतना इमोशनल हो जाता होगा ये टाइम। सो यहाँ पे देखिए मम्मी रोने लग गई हैं, एंड मम्मी को सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ का लगता है कि रुद्रांश भी जा रहा है, तो रुद्रांश को ज़्यादा है वो। बाय। बात कर लियो, कर रही हैं अमर, ठीक है ना, जल्दी बेटा है। बाय टांचू। बाय पांचू। चलो खाना खा लो। जितनी ज़्यादा खुशी मायके जाने की होती है ना, उतना ही ज़्यादा मायके से जब वापस ससुराल जाते हैं तो उतना ही बुरा लगता है। तो दोनों मम्मियाँ ना रोने लग गई थी और यहाँ पे सब लोग इमोशनल हो गए थे। सो चलिए अब यहाँ पे कितने दिन रुकेंगे, जाना तो ससुराल ही है। सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया है, पहुँचते हैं हम लोग झांसी, क्योंकि झांसी से हमारी ट्रेन। और उदास ना गाड़ी में ही सो गया था, मुझे भी थोड़ी सी नींद आ रही थी। सच बताऊँ ना, जब मुझे जाने का रहता है ना ससुराल, तो नींद ही नहीं आती है, अंदर से ना अच्छा सा फील नहीं होता है। मतलब आप बाहर से कितने भी हैप्पी हो ले, बट ना थोड़ा सा अंदर से लगता है कि नहीं यार जाना है आपको यहाँ से। बाबू उठो जल्दी, स्टेशन आ गया, बाबू ने झपकी मार ली है, सो लिया है गाड़ी में बैठे बैठे। चलो स्टेशन आ गया है बाबू, स्टेशन आ गया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं झांसी स्टेशन, और अभी हमारे ट्रेन को टाइम है, मतलब अभी 1 घंटा है, 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन आएगी। तो अभी हम लोग यहीं पे वेट करेंगे 1 घंटे तक, और फिर उसके बाद हम निकलेंगे, है ना। ये तो छो गया था, नानू चले गए हैं छोड़ के, पापा निकल गए हैं। ये लगी हुई है पीछे झेलम, ये निकल गई है, अब आएगी हमारी पंजाब में। टाइम हो रहा है ये देखो, 2 बज गया है, 2:10 पे आई है, 2:10 पे आई है हमारी ट्रेन। झेलम है वो पुणे से आई है। सो वेट कर रहे हैं हम झांसी स्टेशन पे अपनी ट्रेन के आने का। मुझे आँखों को मक्खी काट ली। हेलो गाइस, आज हम आए ट्रेन में, आपको तो हम कमाल बोल गए थे तब ना, तब हम आए थे तो आज चले हमको हमको पापा की याद आ। पहुंच गए हम दिल्ली, और यहाँ से हमने कैब बुक की है, कैब से हम लोग जाएंगे घर। रुद्रांश के पापा को नहीं बुलाया क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने बोला कैब से आ जाएंगे हम। और पता है घर जाके ना देखा तो रुद्रांश के पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर की हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, तो थोड़ा बहुत जो हो बन पाया आज तो कर लिया था, क्योंकि रात के बज रहे थे 10 और खाना वगैरह खाने के बाद लेट गए, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने वीडियो भी आगे शूट नहीं किया क्योंकि उनकी थोड़ा सा हालत देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उनको वायरल हो गया था, फीवर सर्दी खांसी ये सब चीज़ें हो रही थी। सो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।